हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के लिए एंड पीच कलर के लिए, मिक्स ग्रीन एंड पीच में या फिर गोल्डन एंड ग्रीन में आप मिक्स करके अपना आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जो भी इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते आई मेकअप में, आज उन सभी के लिए वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, दोबारा से एक बार मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ। लैक्मे पीच मॉइस्चराइजर है जो कि आपको मैं काफ़ी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। कभी आप स्किन को मॉइस्चराइज करते हो तो आपको 5 मिनट का टाइम देना होता है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है प्राइमर का। तो ये प्राइमर है हुडा ब्यूटी का, इतना सा लिया है मैंने। ओके, तो ये फिटा हुआ था मेरे हाथों पे इसे गिरने के लिए, बट मैंने इसको रोक लिया है एंड हाथों में लूँगी, अच्छे से फैलाऊँगी एंड पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी ताकि मेकअप और स्किन के बीच में एक लेयर बन जाए और मेरे स्किन पे जो मेकअप की वजह से जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं वो रुक पाए और मेरा स्किन मेकअप उतरने के बाद भी ऐसे ही ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ रहे। तो चलिए प्राइमर लगा दिया, प्राइमर को भी 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से जो लेयर बननी चाहिए स्किन और मेकअप फाउंडेशन के बीच में वो बन जाए। तो थोड़ी देर टाइम देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा लैक्मे 925 का है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वो क्या है वो मैं बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है, तो ब्यूटी ब्लेंडर मेरा नहीं जान लिया। तो ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पहले गीला करना है। गीला करने के लिए आप पानी में इसको अच्छे से निचोड़ दीजिए, और मेरी तरफ भी लेजी हो मन नहीं कर रहा पानी में निचोड़ने का, तो इस तरीके से गुलाब जल या फिर सावर बॉटल की मदद से भी आप इसको गीला कर सकते हो। ये रहा सावर बॉटल, तो अच्छे से मैंने गीला कर लिया है ये देखिए, और अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर, हमारा यूज करने के लिए अच्छे से रेडी हो चुका है। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि चल रहा है गर्मियों का सीज़न है। फाउंडेशन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका मेकअप जो है वो केकी हो सकता है, क्योंकि जो पसीना आएगा, वैसे तो हमने प्राइमर लगाया है तो केकी वगैरह तो होना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे नहीं यूज़ करना होता है। और फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अपने फेस पे मेकअप फिक्सर को अच्छे से लगाएंगे, इससे जब आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे, फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका ये है, आपको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना होता है ब्यूटी ब्लेंडर में लेके, पहले फिंगर टिप्स की मदद से पूरे फेस पे फैला लो, उसके बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर लो एंड टैप टैप रब नहीं करना है। देखिए कितना इजीली और पूरा सॉफ्ट एकदम ब्लेंड हो रहा है। अब अगर आपने हमने अभी मेकअप फिक्सर अप्लाई किया था, मेकअप फिक्सर अप्लाई करके इसके बाद से हम लोग उस तरीके से फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा मेकअप जो होता है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है, फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं होता है, ब्लैक नहीं पड़ता है एंड HD मेकअप का लुक देता है ये। तो फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ओके, तो फाउंडेशन से पहले भी हमने मेकअप फिक्सर यूज किया था एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी हम लोग मेकअप फिक्सर यूज करेंगे ताकि जो हमारा फाउंडेशन वो अच्छे से फिक्स हो जाए और मेकअप का जो लुक है वो HD आ पाए। HD बोले तो लॉन्ग लास्टिंग एंड मेकअप ब्लैक ना पड़े, निकले नहीं और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्टली ब्लेंड हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है कंसीलर का। तो कंसीलर जो है वो है मेरे पास लैक्मे का कंसीलर है, लॉन्ग टाइम से यूज करी, काफ़ी अच्छा है। कंसीलर लगाने का सही तरीका क्या है, ओनली फॉर एक सेकेंड, यहाँ पे आईज के ऊपर डार्क सर्कल के पास, मूंछ के बिल्कुल अपर में, अपर लिप्स पे थोड़ी पे, देन यहाँ पे
ओके एंड फोरहेड पे। अब हम लोग ब्लेंड करेंगे गर्दन पे। ओके तो इस तरीके से आपको कंसीलर लगाना है, देन ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए बिल्कुल आराम आराम से। हल्के हाथों से बिल्कुल, तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे डे बाय डे कुछ इन्फॉर्मेटिव मेकअप से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डार्क सर्कल को कैसे हाइड करते हैं एंड कॉन्टोर कैसे किया जाता है। इतनी गर्मियों में भी इतना हैवी मेकअप आप रख सकते हो, पूरा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और शाम तक ऐसे ही रहेगा। शाम को फिर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मेरा मेकअप कितना निकला है कितना नहीं निकला है, वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। तो रेगुलर बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आए आपको। और जो भी पार्लर का काम सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब हम लोग इसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा यहाँ पे HD का BLCC का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है। ब्रश की मदद से इसमें स्पंज भी दिया होता है, बट ब्रश की मदद से अपने पूरे मेकअप को सेट करेंगे। और हम लोग आज बहुत सुंदर सा आई मेकअप करने वाले हैं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और पूरा मेकअप बेस करने के बाद फिर हम लोग आई मेकअप कैसे करें वो भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग आई मेकअप करते हैं तो अक्सर हमारे फेस पे गिर जाता है एंड हमारा मेकअप जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे पहले मैंने बताया था चार अलग अलग तरीकों से आईलाइनर लगाने का, बहुत ही इजी तरीका, वो भी सेल्फ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो अच्छे से हमने मेकअप को सेट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले मैं फेस का पूरा मेकअप कर रही हूँ, उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो ये है ब्लशर, ब्लशर है हमारा सिस ब्यूटी का। दिन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ब्लशर यूज नहीं करना है, ब्लशर यूज करने से पहले आपको करना है स्माइल एंड जो हमारा चिक बोन्स है बस। हमारे मेरे यहाँ पे लॉन्ग टाइम से एक डार्क स्पॉट था जो कि अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है, इसको रिमूव सिर्फ मैंने 2 दिन में किया है। कैसे किया है उसकी वीडियो जा चुकी है क्या यूज करना है। ज़्यादा कुछ मार्केट से खरीदने की जरूरत है, आपके घर की चीज़ों से ही आप अपने स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूद एंड हेल्दी बना सकते हो। तो ऐसी ऐसी टिप्स भी लेकर आते रहती हूँ मैं। तो इस तरीके से ब्लशर को अप्लाई करना है। थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा मेकअप नेचुरल लगे। ओके जो सेकेंड स्टेप सॉरी नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी हम लोग यूज़ करेंगे स्विस ब्यूटी का, लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। हाइलाइटर को इस तरीके से लिया, नोज पे अप्लाई कर वाओ, देन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी नोज जो है वो साफ दिखे विदाउट कॉन्टोरिंग। विदाउट कॉन्टोरिंग हमारा नाक लगे कि दिख रहा है ना, बिल्कुल पतली तीखी सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हाइलाइटर यूज करेंगे, आईज के नीचे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारे अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो भी हाइलाइटर से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, अगर आपको लेना है तो अक्सर ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। आईज के इनर कॉर्नर पर आपको हाइलाइटर यूज करना है, अपर लिप्स पर अप्लाई करना है, फोरहेड पर अप्लाई करना है, देन फोरहेड बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना है एंड पूरे आईलिड पे आपको हाइलाइटर यूज करना है ताकि जो आई मेकअप करो वो काफ़ी अच्छा उभर के आए।
आई मेकअप नहीं भी करना है तो आपने हाइलाइटर अप्लाई कर रखा है, गोल्डन कलर का सिल्वर या ग्लिटर अप्लाई करके दैट्स इट, अपने मेकअप को नेचुरली कंप्लीट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए पहले मैं ले रही हूँ पीच कलर का कलर, जो कि मेरी साड़ी से मैच होता हुआ है। ओके, तो पीच कलर के लिए पहले ब्रश लेंगे ये वाला। ओके, ये है मेरी साड़ी से मैच होता हुआ कलर, तो इसको पिक करेंगे ब्रश में। एंड आपने मेकअप कंप्लीट कर लिया है तो ध्यान दीजिएगा, ब्रश का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ज़रूर निकालें, नहीं तो वो आपके फेस पे गिरेगा एंड आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। वैसे मैं अपने वीडियोज में बताती हूँ कि आपको सबसे पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट करना चाहिए, बिगिनर्स हैं तो पहले आई मेकअप कंप्लीट करें, उसके बाद फेस का मेकअप करें। उससे क्या होगा कि अगर हल्का फुल्का प्रोडक्ट गिरता भी है तो आप उसको इजीली साफ कर सकते हो, आपका मेकअप जो है वो ख़राब नहीं होगा। वाओ, सेम इसी तरीके से दूसरी आई पे करना है, जितनी बार आप प्रोडक्ट पिक कर रहे हो उतनी बार आपको ब्रश को इस तरीके से हिलाना है ताकि आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए और आपका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो। ओके, कुछ इस तरीके से। सेकेंड स्टेप जो होगा वो है ग्रीन कलर, तो ये वाला ग्रीन कलर हम लोग पिक कर रहे हैं एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे अच्छे से। फिर जो हमारी क्रीज लाइन थी उसके जस्ट नीचे ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अगर आप बिगिनर्स हो, आप कट क्रीज करना नहीं आता है, पहले आप अपने हाथों पे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आईज पे ट्राई कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट विदाउट कट क्रीज जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कट क्रीज नहीं बनानी है तो आपको गोल्डन कलर का कलर पिक करना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे एंड खुद से कर रहे हो तो ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि कट क्रीज बनाने में दूसरों का बनाने में तो ईजी होता है बट खुद का बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फाइनल लुक देखना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको मेरा फाइनल लुक देखने को मिलेगा। तो इतना तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट ऑरेंज कलर का कलर पिक करेंगे, देन हल्का सा दोनों कलर के बीच में अप्लाई कर देंगे। वो ऑरेंज ले लो या फिर रेड ले लो। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा सा सिल्वर कलर का कलर पिक करेंगे और इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका डार्क ग्रीन कलर था उसको दोबारा से पिक करेंगे एंड इस तरीके से अप्लाई करेंगे। वैसे तो हमने बहुत कोशिश की कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी फेस पे ना गिरे, अगर फिर भी गिर जाए तो आपको क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग ग्रीन कलर देंगे, लो वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे। लो वाटर लाइन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है
क्योंकि इसी से आपके पूरे आईज का लुक आता है। सिल्वर कलर लेके इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। अब अगर प्रोडक्ट आपके फेस पे गिर गया हो तो आपको क्या करना है, मुझे तो मैंने पहले भी बताया होगा लेकिन जो अभी ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको दोबारा से बता देती हूँ। ग्लिटर हो, आई शेडो हो, कुछ भी आपके फेस पे अगर मेकअप पे गिर जाता है अप्लाई करते टाइम, तो कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, दैट्स इट। बहुत ईजिली आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा। इससे पहले मैंने मेकअप बताया था कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है एंड आपका मेकअप केकी हो गया है, फट गया है, तो उसको कैसे ठीक करोगे। इतना करने के बाद हम लोग लेंगे ग्लिटर पैलेट में से ग्लिटर एंड थोड़ा सा, मेरे पास पीच कलर का तो कलर नहीं है तो मैं यहाँ से पिंक कलर का कलर पिक कर रही हूँ ग्लिटर पैलेट में से, इस वाले ब्रश की मदद से डार्क पिंक। ओके, लाइट पिंक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये वाला कर लेते हैं, डार्क थोड़ा सा हैवी हो जाएगा दिन के टाइम में। एंड जब तक तो ग्लिटर ना लगाओ आपका आई मेकअप का जो लुक होता है वो अच्छे से नहीं आ पाता है। वाह, तो अगर आप बैगिनर्स हो तो इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हो, ब्राइडल्स के लिए भी, वेडिंग पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगेन आपको लग रहा है कि आपके फेस पे अगर ग्लिटर गिर गया है, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ग्लिटर मेरा गिरा हुआ है, तो इस तरीके से रिमूव कर लोगे। अब हम लोग करेंगे आईब्रो को फील। आईब्रो फील करने के लिए मैं आईब्रो फील वाला ब्रश ले रही हूँ, इस तरीके से पिक करूँगी जेल आईलाइनर, देन अपने आईब्रो पे अच्छी सी शेप देंगे, देन इस तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे, इसको मापते हुए। ओके, आपको जितना प्रोडक्ट लगाना है आईब्रो फिल करते टाइम आउटर साइड में ही लगाना है, इनर कॉर्नर पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो अब हम लोग आईब्रो को ब्लेंड करेंगे आईब्रो कलर को, उसके लिए आपको ये वाला ब्रश लेना है, देन इस तरीके से ब्लेंड करना है। इस तरीके से आप ब्लेंड करोगे तो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आएगा। ओके, अभी एक चीज़ और बता रही हूँ, हमारी दोनों आईब्रोज में आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, जैसे कि ये वाली आईब्रोज जो हमारी है वो नेचुरल लग रही है, बट ये वाली जो है बहुत डार्क लग रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉटन रुई या फिर कोई कॉटन का कपड़ा और आपको अपने आई मेकअप को, सॉरी आईब्रो फीलिंग, आईब्रो को पेंसिल को हल्के हल्के से इस तरीके से निकाल देना। ओके, अब निकालने के बाद से ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है बता रही हूँ मैं, इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं भगा कर देखने में वीडियो को। अब दोबारा से हमने आईब्रो फीलिंग वाला ब्रश लिया था और बस नीचे से अपना शेप दे दिया और कुछ भी नहीं, और दोबारा से वही ब्रश लेंगे, बस हो गया। तो अभी आपको दोनों आईब्रो का कलर जो है
आपको सेम दिख रहा होगा, एक जैसा दिख रहा होगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आपकी आईब्रो पे बहुत ज़्यादा कलर लग जाए तो आप उसको कम कर सकते हो और लुक को अच्छा बना सकते हो। अभी हमने आई मेकअप तो कंप्लीट कर लिया, बट जो आपका ब्लशर पैलेट है उसमें से आपको वाइट कलर का ब्लश लेना है, देन आईब्रो के जस्ट नीचे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका लुक है आई मेकअप का वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अब हम लोग काजल अप्लाई करेंगे। अगर आपको आईज को बड़ा दिखाना है तो आप वाइट काजल अप्लाई कीजिएगा, और अगर नॉर्मल ठीक है तो आप ब्लैक काजल यूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ। काजल को कभी भी इतना लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, काजल को हमेशा जितना हमारा काजल लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है आईज में उसको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि ये रहा, और काजल फैले नहीं इसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, वो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग लगाएंगे लाइनर। लाइनर लगाने के लिए आपको वैसे मैंने उसके लिए भी वीडियो अपलोड की हुई है, यहाँ से आपको अप्लाई करने हैं। ओके, ये करना मत भूलिएगा, इससे जो आपका मेकअप का लुक होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। और लो वाटर लाइन पे लाइनर को इस तरीके से ज़रूर लगाइए, इससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मुझे हमेशा विंग्स बहुत लंबी पसंद है, आपको जैसी अच्छी लगे आप उसके अकॉर्डिंग लाइनर लगा लीजिएगा। लाइनर लगाने का अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रात जो मैंने साड़ी पहनी है वो कुछ इस तरीके से पहनी है, दस बॉर्डर्स को एक पास रखा है, सारी साड़ी की प्लेट्स अंदर को है, एंड मैं दिखाती हूँ आपको। सिलाई से रिलेटेड बहुत वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से साड़ी पहनी है। अगर आपको इस तरीके का देखना है कि कैसे पहनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये साड़ी लुक आप। Thank you.